वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं, इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर गई है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव की स्थिति चल रही है और यही वजह है अब कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय निरुपम का अगला कदम ये हो सकता है कि वो किसी और गुट में शामिल हो सकते हैं। कल आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। तो जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस में इस्तीफा देने की ओढ़ मच गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं, जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज एक साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस राहुल, सोनिया और खड़गे पर भड़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ क्यों मची हुई है? क्या कांग्रेस में रहे नेताओं को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है? कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में हरा देंगे, उस वक्त 20 से 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखिए अब तक कांग्रेस से कौन कौन बड़े चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। कांग्रेस से इस्तीफा देकर गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है, जिसका औपचारिक ऐलान थोड़ी देर में तेजस्वी यादव करेंगे। जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे,
विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत बिस्व शर्मा, जगदम्बिका बाल बहुत पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। तो एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हुए हैं, तो अभी बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दा और ना ही दिशा है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार ने जनता को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर तो बाकी है। बीजेपी के दावों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि रिसर्च में दावा किया गया है कि बीजेपी ने विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया है। जरा देखिए आंकड़ों में क्या दावा किया गया है। विपक्षी दलों के 80,000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का टारगेट है कि वो 1,00,000 से ज्यादा विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करे। दावों के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। इधर 1 अप्रैल 2024 तक लोकसभा चुनाव की घोषणा से अब तक राजस्थान में 1,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दलों के ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद सीधे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब तक 80,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करेगा। एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं, खास तौर से टॉप लेवल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़ कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। जरा देखिए कौन कौन से कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2000 से अब तक कुल 12 कांग्रेस मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। कुल 12 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्रियों में से 9 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा बीजेपी में शामिल हुए। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम पेमा खांडू बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी भी बीजेपी में शामिल हुए थे। गोवा के पूर्व सीएम रवि नाइक ने 2000 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2002 में फिर से कांग्रेस में लौटे और 2021 में फिर से बीजेपी में शामिल हुए। कुल मिलाकर 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है वो साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस को अब चुनाव जीतने से ज्यादा पार्टी बचाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं, इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर गई है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव की स्थिति चल रही है और यही वजह है अब कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय निरुपम का अगला कदम ये हो सकता है कि वो किसी और गुट में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पावर प्लांट में भयानक आग लग गई,
ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्लांट बताया जा रहा है। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले इस आग को बुझाया जा सके। तरीके से उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। तो जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस में इस्तीफा देने की ओढ़ मच गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था।